हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग कहाँ निकल रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। और हरिद्वार क्यों जा रहे हैं, थंबनेल देखे आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अभी सब लोग हो चुके हैं हम लोग रेडी, और देखते हैं अभी कौन कौन रेडी हो चुका है। हम लोग तो फिलहाल हो गए हैं, निरांश हम लोग, और मम्मी का बाकी है अभी, और बाकी लोग ये देखिए ये भी तैयार हो चुके हैं सब। नानू आप जल्दी करो, तो अभी निकलते हैं हरिद्वार के लिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं गाड़ी में, फिर बात करेंगे आप लोगों से। चलो ये देखिए मम्मी सिर पर चश्मा लगा सब अभी हमने चश्मे के साथ हैं। और अभी आज मम्मी हम लोग हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? आज गंगा दशहरा है, और इसलिए हम सोचे कि चलो आज गंगा मैया का दर्शन भी करेंगे और स्नान भी करके आएंगे। और अच्छा, गंगा दशहरा का मतलब बता दो आप, क्या है? आज के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, इसीलिए गाइस, इसलिए हम लोग आज इसी पावन अवसर पर नहाने का अवसर मिला है हमें और बहुत टाइम बाद मिला है। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है, पिछले बार हमने किसी काम से जाते हैं तो तब हमने रास्ते में देखा था काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो भीड़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। और चलो देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है, और जहाँ जहाँ उतरेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी तो सुना है काफ़ी अच्छा रास्ता बन गया है, काफ़ी टाइम से गए हैं हम लोग। और ये हमारी दीदी का लड़का सबसे ज़्यादा सेफ्टी में रहता है, मास्क लगा के गाड़ी में उतार दो। आगे बैठा हुआ है और पापा इसकी गाड़ी चला रहे हैं। कैसे खा लगेगा आप लगा दोगे? कितना टाइम लगेगा? लगा दो। और पहले से ये वाला नंबर चल रहा है? हाँ मेरा वही नंबर है, नहीं मेरा वो दूसरा नंबर है ना, चंदा 2 वाला ना। हाँ नंबर होगा इसमें यार। सियावा खाने के लिए बाहर खड़े हैं 70 बड़े पापा के साथ मिरान। तो गाइस अभी हम दोनों रास्ते पहुँचे थे, तो हमें थोड़ी पकौड़ी की दुकान दिखी थी, तो पकौड़ियाँ अभी हमें हम खाएंगे। और अभी हम लोग ये कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, काफ़ी गर्म हो रहा है और देखो हवा से मेरे बाल भी ख़राब हो गए हैं। और पहले देखते हैं क्या खाते हैं पहले, फिर मैं आपको। कौन सा वाला? पंजाबी चौक। अच्छा मूंग पनीर की पकौड़ी है, पनीर। अच्छा यही कर दो फिर आप, मूंग की दाल के एक पाव कर दो इसका। तो अभी हम लोग ने पकौड़े वगैरह ले लिए हैं और अभी हम लोग बैठ के खाएंगे सारे। और ये देखिए आप लोग यहाँ पे गाइस कितने सारे पकोड़े हैं, और काफ़ी टेस्टी पकोड़े हैं, और ब्रेड पकोड़ा है, समोसे हैं, आप प्याज की पकोड़ी, पनीर के पकोड़े, जो भी पकोड़े वगैरह आप लोग को अगर खाने हो तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर खाएं। और ये चिद्दर वाला चौक के फ्लाईओवर के बाद ही पड़ता है, तो हरिद्वार जाते टाइम आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी हम लोग ने पकौड़ी वगैरह हम खा चुके हैं, और अभी नानू खा रहा है आलू के पराठा। पहले तो उसने बोला मैं खाता नहीं हूँ, फिर ज़बरदस्ती हमने से खिला दिया सारे को। और क्योंकि हम लोग खा रहे थे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सफ़र है, गर्मी भी काफ़ी है यहाँ पे। और हम लोग अभी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, और अभी हम लोग सीधे निकलेंगे हरिद्वार की, और अभी कहीं रुकना नहीं है हमने। बस ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में किसी को खाया नहीं जाता है, सोचे थे रास्ते में कुछ खा लेंगे, तो यहाँ पर फेमस पकौड़ी थी तो हमने वही खाया। गम्मी लग गई मेरे बेटे को आज, इसकी कैप लाना भूल गई मैं यार, हमेशा भूल जाती हूँ। तो गाइस अभी हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी ऊपर खोला होगा या कोई, मतलब आगे बारिश हो रही होगी तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी है। आप लोगों को मैं दिखाऊँगी, हम लोग अभी ये देखिए हर की पौड़ी के अभी पुल पे हैं हम लोग, और देखो ना कितनी भीड़ है, माई गॉड कितनी ज्यादा भीड़ है, पानी तो पहुंच जाने। और पानी कितना ज्यादा देखो ना, जाएंगे। तो
चलो बेटा नाई नाई करोगे हमारे साथ, देखो ना जाने के लिए कैसा कर रहा है। नौटंकी बाज, नौटंकी बाज, अभी ले जाते बेटा, अभी ले जाते। गंगा जी में इतना ठंडा पानी हो रहा है कि बस सारी गर्मी एक झटके में उतर गई हमारी और बहुत मजा आ गया। आज गंगा दशहरा है तो आज हम लोग ने स्नान भी कर लिया गंगा मैया में। हमने नहा भी लिया और मजा भी ले लिया और गर्मी भी काफी हो रही थी, रास्ते में इतना गर्म था और हम लोगों ने जगह तो सीढ़ी में बैठे हुए हाथ लगा ले मामा, भैया भैया थोड़ा इसको आगे तक कर देना। हम लोग नहा धोके रेडी हो चुके थे और हम लोगों ने थोड़ा सा पूजा करी गंगा जी में और मच्छियों के लिए थोड़ा सा हमने दाना लिया हुआ है तो उसे हम लोग पुल से वहाँ से फेंकेंगे और मच्छियों को दाना खिलाएंगे और सब लोग रेडी हो चुके हैं घर जाने के लिए और अभी निकलते हैं। पूजा वूजा सब कर लिया था हम लोगों ने और बाकी मम्मी कहाँ है? शिवलिंग कितने अच्छे अच्छे हैं ना, छोटे छोटे से 30 रुपए के ये आटे की गोलियां हैं, ये आटे की गोलियां मच्छियों के लिए, मच्छियों के लिए डालते हैं। चलो लाओ मेरे को भी दो, आप भी लो, आप भी डालो, एक मुझे दे दो। तो गाइस अभी हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं और रास्ते में एक ढाबा मिला तो हम लोग वहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी हमने लंच नहीं किया था तो रास्ते में जाके करेंगे घर के। तो अभी हम लोग लंच करते हैं और चलो पहले लंच करते हैं फिर उसके बाद। तो अभी गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी थक गए थे, लंबा सफ़र था हरिद्वार का और सब लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, बाबू भी सो गया है अभी और अभी मैं भी काफ़ी थक गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।